14 अक्टूबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में कहां दिखेगा, क्या होगा सूर्य ग्रहण का असर, भारत में कब लगेगा सूतक काल। 14 अक्टूबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। नवरात्रि शुरू होने के ठीक एक दिन पहले ये ग्रहण लगेगा। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण का खास महत्व होता है, साथ ही ये भी है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वक्त भी शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस वक्त कोई भी शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें ये जानकारी हो कि सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है, भारत के किन किन हिस्सों में इसका असर होने वाला है, साथ ही सबसे बड़ा फैक्टर जो कि सूतक काल का है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा। तो चलिए जानते हैं 14 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में सब कुछ। सूर्य ग्रहण का समय, भारतीय परंपराओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण का समय और इसके अच्छे बुरे रिजल्ट्स और जगहों का पता पंचांग के हिसाब से लगाया जाता है। पंचांग के मुताबिक सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की रात 8:34 से शुरू हो जाएगा, फिर उसी रात 2:25 पर इसका समापन होगा। ऐसे में ये सूर्य ग्रहण तकरीबन 6 घंटे तक रहेगा। पंचांग के मुताबिक इस बार का सूर्य ग्रहण वलयकार होगा, यानी कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज एक अंगूठी के आकार में नजर आएगा। इस आकार को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इंडिया में कहां दिखेगा, क्या पड़ेगा असर? फिलहाल तो हर भारतीय के मन में यही सवाल चल रहा है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत में कहां कहां पड़ेगा। साथ ही ये भी सवाल है कि ये इंडिया में कहां कहां दिखने वाला है। तो ये जान लें कि साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा। जाहिर है इसका असर कहीं भी नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि ये सूर्य ग्रहण रात को लग रहा है, इसलिए ये इंडिया में नहीं दिखेगा। वहीं दुनिया भर में ये सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पेरू, क्यूबा, कोलंबिया और ब्राजील में देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब? हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्य ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है, साथ ही ग्रहण लगने से पहले सूतक काल भी लगता है। ये वो वक्त होता है जब किसी तरह के भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, साथ ही पूजा अनुष्ठान करना भी पूरी तरह से वर्जित होता है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण लगने का जो वक्त होता है उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। सूतक काल अपने इसी तय समय के मुताबिक लगेगा, लेकिन चूंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाएगा, इसलिए इंडिया में सूतक काल भी नहीं लगेगा। ऐसे में सूतक काल का वक्त हो या फिर सूर्य ग्रहण का वक्त, भारत के लोग अपने दैनिक कामकाज पूर्ववत जारी रख सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।